हकायक ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर ख्वाजा हूँ जो अपना टिकट्स खरीदता है, अपना होटल का बिल भरता है और पाकिस्तान के अवाम पे बोझ नहीं डालता हूँ। अगर मैं डालता भी था, मेरा हक, मैं वजीर ख़ारजा हूँ, मैं वजीर दाखला नहीं हूँ और मेरा जो ये ट्रिप्स रहे हैं इसका फ़ायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा हूं जो अपना टिकट खरीदता है और होटल का बिल भी खुद अदा करता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात सामने रख दी। उन्होंने दावा किया कि मैं अपने बैरून मुल्क दौरों के अखराजात का बोझ कौमी खजाने पर नहीं डालता, अगर ऐसा करता भी तो बतौर वजीर खारजा ये मेरा इस्तेहकाक है। उनका कहना था कि मेरे बैरून मुल्क दौरों का फायदा मेरी जात को नहीं अवाम को हुआ है, मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला और मुल्क को मुआशी फवायद हासिल हुए। पाकिस्तान इस वक्त G77 यानी तरक्की पजीर ममालिक के तहत की क्यादत कर रहा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आया, पाकिस्तान को मुआशी फायदा इससे हासिल हुआ। मैं क्या क्या गिनाऊं, हम G77 मतलब पूरा डेवलपिंग कंट्री, पूरा डेवलपिंग कंट्रीज का कोलिशन को लीड कर रहे हैं। इस जिम्मेदारी के साथ हम लॉस एंड डैमेज को COP27 का एजेंडा में शामिल किया जो ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए फायदा है। आज जो मैंने न्यूयॉर्क में था, मैंने G77 का जो कॉन्फ्रेंस है उसको मुकम्मल किया, उसमें हमारा रिफॉर्म का जो डॉक्यूमेंट है, जो सजेशंस है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। पूरा डिवेलपिंग वर्ल्ड ने मुतालबा किया कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं ये अमीर ममालिक को फायदा देते हैं, गरीब ममालिक को नहीं, और हम चाहते हैं कि ये गरीब ममालिक के काम आए।